अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। मेरा 2-3 दिन मोबाइल ख़राब था तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी, तो मोबाइल आज रात को ही ठीक हुआ तो मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। तो आज जो है ना, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं किचन में नहीं आई बल्कि मैं सो गई और 11 के करीब उठी, मैंने अपना नाश्ता बनाया है। और आज की जो वीडियो है वो एक्चुअली है अंडा चना ग्रेवी से रिलेटेड, क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने पहले ट्राई की थी तो मुझसे बहुत अच्छी बनी थी, तो मेरे माइंड में था कि मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो इसलिए ना अभी मैंने सोचा पहले नाश्ता कर लूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ में इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो नाश्ता मेरे यहाँ पे हो गया रेडी। चनों को जो है ना मैंने सुबह ही बॉईल कर लिया था, और यहाँ पे जो है ना मैंने 1/4 कप के करीब लिए हैं बॉईल किए हुए चने, और उनको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। ठीक है, हमने इन चनों को बिल्कुल ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। ये हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें जो चनों की ग्रेवी है ये बहुत थिक सी चाहिए। मोस्टली हम लोग चने बनाते हैं तो वो चने अलग तैर रहे होते हैं पानी में और उसकी ग्रेवी अलग होती है, तो ये जो ग्रेवी है ना इसको थिक करने के लिए हम चनों को यहाँ पे ग्राइंड कर रहे हैं या ब्लेंड कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक अलहदा से बर्तन में पानी डाला है। पानी में हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जो हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर इसमें मैं ऐड करूँगी, 1/2 टीस्पून जो हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और नमक हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली ये मैं इसलिए यहाँ पे इकट्ठा डाल रही हूँ क्योंकि मुझे जो ग्रेवी है ना वो बहुत रेड रेड और मसाले वाली इस तरह की नहीं चाहिए, थोड़ा सा इसका वाइट सा कलर होगा ग्रेवी का। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल, और ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें लहसुन वाला मिक्सचर ऐड कर लेंगे। हल्का सा जब गर्म होगा ना फिर आपने लहसुन वाला मिक्सचर ऐड करना है, ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो आप उसमें डाल देंगे पानी वाला मिक्सचर, तो यू नो फिर आपका हाथ जल जाए। तो इसलिए आपने हल्का सा ऑयल गर्म करके इसमें वही वाला मिक्सचर ऐड करना है, और उसको इतना आपने पकाना है कि जो लहसुन का कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। मसाले वगैरह आपके नहीं जलने हैं क्योंकि उसमें पानी होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब दही, विस्क किया हुआ दही है जो मैंने इसमें डाला है, और फिर से हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे इतना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें पेस्ट डालेंगे चनों का जो कि हमने पहले ब्लेंड करके रखा था, और अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे इतना कि ये फिर अपना ऑयल छोड़ दे। अभी इसके बाद हम इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने लिए हैं 2 कप के करीब चने, आपको जितने चाहिए आप इसमें चने ऐड करें, आपके घर के अफराद पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आपने उतना ही पेस्ट भी बनाना है और उतने चने ही ऐड करने हैं, और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो भी आपने डबल कर लेने हैं। 2 कप के करीब जो है ना वो बॉयल किए हुए चने डाले हैं, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, और फिर इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी जो है वो मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए इसमें ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे। 1-2-3 बॉयल आ जाएं तो बस आप चूल्हा बंद कर लें, और एंड में जो है ना मैं इसके ऊपर अंडे रख दूँगी। बॉयल किए हुए और थोड़ी सी इसके ऊपर आप कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लें, और ये आपके जो है ना चना अंडा ग्रेवी हो जाएगी रेडी। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी बनती है, एक दफ़े इसको ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, और बच्चों ने भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई थी। अगर आप नाश्ते में बनाना चाह रहे हैं ना तो फिर भी बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत आसानी से बनती है। तो वेल, अभी बच्चे स्कूल से वापस नहीं आए थे, जब वो स्कूल से वापस आ जाएंगे तो फिर मैं इनके लिए चपाती बना दूँगी। ओके जी, बच्चे स्कूल से वापस आए, खाना वगैरह खाया, उसके बाद जो है ना उन्होंने रेस्ट किया। सुबह जो है वो है 13 अगस्त, तो इन लोगों के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे जो है वो 13 को मना रहे हैं, तो इसलिए उसका था कि मम्मा ऐसा करते हैं कि सुबह मुझे कुछ अच्छा सा बना के देते, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए ब्राउनीज़ बना देती हूँ। लेकिन मेरे आने से पहले वो मैडम थी खड़ी कि बस मम्मा आज मैंने बनाना है, तो आज उसी ने जो है ना ब्राउनीज़ बनाई थी। मैं साथ से उसको बताती रही हूँ।
फिर ब्राउनीज़ के लिए हमें जो है ना यहाँ पे चाहिए होगा हाफ कप के करीब चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई भी है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी, आप वहाँ से जाके देख लें। बहुत मज़े की बहुत अच्छी ब्राउनीज़ ये बनने वाली हैं, क्योंकि इस एक तो ये कम इन्ग्रीडियंट से बनती हैं और दूसरी बहुत जल्दी बन जाती हैं। ठीक है, हाफ कप जो है चॉकलेट सॉस आपने इसमें ऐड करनी है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे शुगर हाफ कप के करीब, क्योंकि शुगर ऑलरेडी इसमें चॉकलेट सॉस में भी क्योंकि शुगर होती है तो इसलिए मैं शुगर हाफ कप ले रही हूँ। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब अगर इन आया ने खाने लायक कुछ छोड़ा तो उसको हम बेक करेंगे, क्योंकि वो बार बार चॉकलेट को खाए जा रही है और काफ़ी एक्साइटेड भी है और इन्जॉय भी कर रही है। तो यहाँ पे जो है ना एक कप हमने डालना है मैदे का। मैदा हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेजुअली और इसके साथ हम हाफ कप दूध का ऐड करेंगे। दूध भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, थोड़ा सा मैदा डालेंगे थोड़ा सा दूध डालेंगे। और मैदा डालने के बाद नाया कह रही कि मम्मा ये क्या आटा डालने से तो चॉकलेट ही गायब हो गई। तो इस साथ साथ इसको विस्क करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालें, थोड़ा सा दूध डालें। नाया ने इकट्ठा ही दूध इसमें ऐड कर दिया था, बट आपने थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा सा मैदा डालना है और एक मज़े का स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर का और इसको फिर से हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और एंड में जो है ना हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस ऐड करेंगे और फिर से बीट करेंगे और जो मिक्सचर है वो हमारे पास हो जाएगा रेडी। इसको जो है ना मैं थोड़े बड़े साइज़ के केक मोल्ड में बेक करने वाली हूँ, क्योंकि ये फिर नाया के लिए ईजी हो जाएगा इसको डीमोल्ड करते हुए। दूसरा वाला जो केक मोल्ड होता है उसमें शायद इसके लिए आसान ना हो, तो इसलिए मैं बड़े वाले में बेक कर रही हूँ। लेकिन आप जो है ना वो छोटे वाले में करें, इससे आपकी जो ब्राउनीज़ की हाइट है ना वो ज़्यादा होगी। लेकिन मैंने बड़े वाले में किया था तो इसलिए मेरी ब्राउनीज़ की हाइट नहीं थी, बट टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। अभी हम सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे। चॉकलेट चिप्स का मैंने कहा था कि लाइन में डालती हूँ, बट उन्होंने एक जगह भी इकट्ठे डाल दिए। और इसके बाद जो हम इसको बैक करने के लिए रखेंगे, तकरीबन 180 डिग्री पे रखेंगे इसको 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स मेरे हाल में इनफ रहेंगे, आपका हो जाएगा बैक। अगर नहीं भी हो रहा तो 5 मिनट्स के लिए इसको और रख दें। और उसके बाद जो है ना आपकी ब्राउनीज़ हो जाएंगी रेडी। अभी जो ब्राउनीज़ हैं उनको मैं लेते बॉक्स में डाल रही हूँ, एक नया के लिए एक सुबह के लिए बॉक्स मैंने बनाया है। और उसके ऊपर हम चॉकलेट सिरप ऐड कर लेंगे। ये मैं बाजार से चॉकलेट सिरप लेके आई थी, ये घर का बना हुआ नहीं है। और उसके ऊपर हम छोटे से चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे और इसको डेकोरेट कर लेंगे। और दोनों के बॉक्सेस जो हैं वो रेडी हो गए, मुझे टेस्ट करने के लिए भी नहीं दिया था इन्होंने। और सुबह जब मैं इनका बैग पैक करी थी उस दौरान मैंने जो है ना ब्राउनीज़ को टेस्ट किया था, तो उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बहुत अच्छा बना था। और इन्होंने भी बहुत इन्जॉय क्या बनाते टाइम भी और खाते टाइम भी, और पूछा भी नहीं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी बाकी वीडियोस का यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।